हेलो एवरीवन, राम राम भाई आप सभी को। आज है भाई अपना डे 7, मतलब आप कह सकते हो कि आज अपना एग्जाम का डे है। बता भाई गोरो, क्या क्या होगा आज? भाई टी शर्ट उतारने की गई थी इसने, आज अपनी टी शर्ट उतारा है। भाई अब आया है, बात आई है चैलेंज की। ठीक है, मेरे से कह रहा मार दे, जितनी मारे तेरे से एक फालतू मारूंगा। भाई जैसे वीडियो में देख रहे थे, 2-3 दिन से यो रेस्ट पे था, तो मैं बोल रहा हूँ आज तेरी परफॉर्मेंस देखते हैं के जावे है। रेस्ट में नहीं था। तो पहला लगा रहे हैं पुलअप्स से, और इसको मैंने बोला कि जितनी लगाएगा उससे एक ज्यादा लगाऊंगा मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 का चैलेंज दिया है भाई। रेंज कट करी है, लेकिन 25 लगाई है भाई गौरव ने, 26 लगावांगे। प्रॉपर कैमरा सेट कर ले। कर लिया कैमरा सेट। चल ये भी बढ़िया रखांगे भाई, कर लिया कैमरा सेट तो हो जा। चलो बाकी बोल कितनी लगा दूं? 30। सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लगाऊंगा किस बना लगता। रा रा यो यो कटेगी नहीं, सुन कदी वो हो आ जाए इधर भाई, यो कटनी नहीं चाहिए। ना ना रुक जा, ठीक है देख लिया तुमने, ठीक है यो है अमित विटनेस। आज ही घंटा बकवासबाजी कर रहा है। इसमें मैं बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी भाई, बॉडी मूवमेंट जा रही थी थोड़ा सा भाई। वो देख मेरी भी गई थी, ठीक है वो मेरी भी जा रही थी, और तूने इस बात की बोल दी बाद में कि यो गड़बड़ थी वो गड़बड़ थी। एक सेट और डलेगा भाई। ना 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 ऐसी का ये भी डलेगी, ये भी कटनी होगी। ना ना ऐसा नहीं, 30 का एक और डलेगा। गौरव ने लगाई थी भाई 25। मैं सेट में रुक गया था बीच में, बॉडी की मूवमेंट सी ज्यादा हुई मैंने पहले से ना था, तो मैंने बोला रुक गया बाकी मैं लगा सकूं था। ये वो चैलेंज कंप्लीट ना बोल, बाकी कितनी 30 मारने भाई और बाकी काउंट कर। ये भाई अपना है जय कटलर, ठीक है, और ये कह रहा है 30 छोड़ो मैं 50 मार दूं। अभी इसका भी हंगा दिखाया जाएगा, तो काउंट करिए। अभी इसका भी हंगा दिखाया जाएगा। चलो भाई देख, 28 होगी, दो दो हाँ एक बार 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 बस बस बस, जो मारी है ना ये 20 के बाद की जो मारी है वो इन्हें भी दिख जाएगी तुझे भी। 25 के बाद बढ़िया ठीक है। ना 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 भाई सेट रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। अब भाई यो भाई अपना जय कटलर यो 50 मारता गई है, 50 नहीं ये बता तू, ये ज्यादा मारो सोनी, तू 26 मार दे। चल आज जरा भाई 50 का चैलेंज होता ना, 50 नहीं करता। चल इस चीज की भाई तुम्हें बतानी है कौन सही है और कौन गलत था, इसका क्या है। मेरी तरफ से तो ये हारा हुआ और तुम बता दियो भाई, अगला सेट कर ले इस बात में। जहाँ पर हार होगी ना भाई मैं मान लूंगा, ठीक है यहाँ पर हार थी नहीं हो सेट एक तरफा जीत रहा हूँ। जो ऊपर ही झटका ले लेके लग रहा था ना भाई, इसके झटके देख लियो। मैंने गौरव तो चैलेंज दिया है के तू झटके लगा ले मेरे, मैं तो प्रॉपर मारनी है। 25 तक तो भाई बिल्कुल समूथ आ रहे थे, 25 प्लस तक समूथ आए हैं बिल्कुल भाई। लास्ट में मैंने गौरव की छूट कर दी, तू भी झटके लगा कर 31 लगाई, 32 लगा ले भाई। ना 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 ऐसे झटके उसके नहीं मार। चलो भाई मजाक की बात थी, अभी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई, वो तो एक वार्म अप था, लैट पुल डाउन पे ही लगा रहे हैं, लेकिन ये अलग बार लिया हुआ है।
ठीक है, हर बार वेरिएशन के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हर बार। चलो भाई, यो था अपना वार्म अप सेट, ठीक है, जो हमारा था हमने 55 किलो से। अब ये पहला है, इसमें वेट रखा 70 किलो और ये लास्ट 100 तक जाएंगे, आज पूरा फुल मारेंगे, ठीक है, देखते रहो। चल भाई, गोरो लगा, शाम को कार्डियो चलेगा यहीं पे। और आज टी शर्ट उतार रहे हैं, चल गोरो। भाई रेडी हो रहा है, 100 किलो लगा होगा अब, और इसके दो सेट लगेंगे बैक टू बैक। बाटी हूँ वर्कआउट कंप्लीट करके बैठा है, बाटी के ले रहा है मैं, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? नाइट्रोटेक। ले भाई, कितना वेट गेन कर दिया तने 10 दिन में बता? मैंने कर दिया 6 किलो। 6 किलो गेन कर दिया भाई, शाबाश, सीरियस होगा, चल रहा लड़का। बाटी अपना तो इतना ना होया होगा, अपना तो भाई बहुत कम होया, लीन गेन करने लग रहा तेरा भाई। भाई हो रहा है लौंडा तैयार अपना, चल रहे भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, ये उनके लिए फायदेमंद है बहुत सारे। देखो वीडियो का एक मोटिव ये है कि एक तो हिट करना है, नेचुरल कहाँ तक हिट कर सकते हैं, दूसरा ये भी है लोगों तक एक्सरसाइज पहुंच सके, जिनको इंजरी है उनके पास ऑप्शन नहीं होते, तो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको एल्बो प्रॉब्लम है, अगर वो लेट पुल डाउन करते हैं और यहाँ पे कोई इंजरी है तो उनको पेन होता है। इसमें आपकी जो आर्म रहेगी ना बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, देखो ऐसे लगा लिए, भाई 3 सेट हो गए हैं, चौथा लगा रहे हैं और पूरा फुल वेट मारेंगे। चल भाई, ये जा रहा भाई अपना स्ट्रेट आर्म पुल डाउन का लास्ट सेट, चल भाई गोरो लगा। अगर भाई सारे सेट अगर मैं वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो जो मेन सेट है वो मैं कवर कर रहा हूँ। गुड, सॉरी एस डीजे, अभी कर रहे हैं भाई अपनी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बैक एंड बेंट ओवर। चल भाई, बेंट ओवर रोल लगा रहे हैं, इसके भी 4 सेट लेंगे, आज इसके हैवी वेट पे नहीं जा रहे हैं, रैप ज़्यादा लगाएंगे। देख लो भाई गौरव आ गया नेक्स्ट सेट पे, लेकिन इसने भी जिद कर ली, बोला वेट बढ़ाऊंगा नेक्स्ट लगवाऊंगा तो भाई 90 kg हो गया है। चल गौरव, शाबाश, 10 निकाल, बढ़िया। फॉर्म देखना भाई, वेट उठाते टाइम बैक रोल नहीं है, बैक स्ट्रेट है, ये बैक हमेशा स्ट्रेट रखनी है, हल्की सी भी बेंड हो जाएगी तुरंत इंजरी की चांसेस है। बढ़िया, चल बहुत बढ़िया, चल 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 चल। देखो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो ना तो इंजरी भी उसका एक पार्ट है, मेरे को भी इंजरी हो गई थी, अपनी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डॉक्टर ने इवन ये तक बोला था कि भाई वर्कआउट वगैरह सब कुछ छोड़ दे, लेकिन इंजरी से भी रिकवरी करी, वो जो जो मैंने एक्सरसाइज की स्ट्रेंथनिंग के लिए बैक के लिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, तो कभी भी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। गोरो का सेट लग रहा है, डंबल से लगा रहा है, 1 आर्म डंबल रो, 4th एक्सरसाइज, देख लो भाई फॉर्म पूरी प्रॉपर मार रहा है, ये देखो बैक में पूरा बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है।
अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जा रही है भाई, स्पोर्टेड सीटेड रोइंग मशीन पे लगा रहे हैं। एनर्जी बता कितनी है आज गुरु, एनर्जी लेवल क्या चल रहा है? एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन चल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेवल डाउन हुआ था वो उसमें हो गया चिनअप्स में, हाँ ठीक है। उसके बाद भाई मैं मार रहा था तीन तीन सेट, इसमें हर एक्सरसाइज के चार चार सेट लगवाए हैं, फुल वेट में पांच भी गए हैं भाई कुछ, ठीक है। पहले एक्सरसाइज के पांच गए थे, पूरा हर चीज में फुल वेट चल रहा है, हाँ। इस वजह से एनर्जी आज बिल्कुल डाउन है। जो ये भाई देख रहे हैं आपको, पर ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, जो भाई देख रहे हैं मतलब इनसे कुछ एनर्जी नहीं मिलती, मोटिवेशन नहीं मिलता भाई, इसी वजह से लग जाते हैं सेट हम बस, ठीक है। चल मैं दो तीन दिन से डाइट लगा रहा हूं। चल बढ़िया गोरो, हाँ बहुत बढ़िया फॉर्म जा रही है। इस एक्सरसाइज में भाई जब पीछे का हाथ ये होल्ड करना है यहाँ पे मसल को, चल बढ़िया, स्क्वीज करते टाइम होल्ड कर लोगे भाई। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन अपना वेट था 97.100, आज देखते हैं प्रेजेंट वेट कितना है। आज वेट है भाई 99.300, मतलब 2 kg से ज़्यादा गेन हुआ है और लीन गेन किया है भाई हमने, ज़्यादा कार्ब्स वगैरह लोड नहीं किए बॉडी में। और अभी जैसे आपको बोला था कि प्रेजेंट कंडीशन दिखाऊंगा बॉडी की क्या है, तो चलो टी शर्ट उतारने का टाइम आ गया है भाई। जैसा कि आपको बोला था एक हफ्ते बाद टी शर्ट उतार के दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आ गया वो टाइम जब भाई की टी शर्ट उतरेगी, ठीक है। मेरी अभी इतनी फॉर्म नहीं है जो मेरे को उतार के दिखा पाऊँ, मेरा 3-4 दिन का स्किप हो गया वर्कआउट भी। चलो तब आपको अमित टी शर्ट उतार के दिखाएगा, ठीक है। और भाई देखो ये तुम्हें भी पता है, मुंह से कोई कितना भी बोल ले गंद बकने वाले बहुत हैं, इस चीज में असली मेहनत है। ये तुम्हारे आगे प्रॉपर दिखाया जा रहा है कितना हैवी वेट मार रहे हैं, इतने रैप मार रहे हैं, इतना कुछ। भाई जो भौंकने वाले हैं ना एक बार आके ना इसका आधा भी उठा दियो पता चल जाएगी। चल भाई अमित दिखा, ये देखो भाई एक बार चारों साइड, ठीक है। ये देखो इस टाइम शेप ये है बॉडी की प्रॉपर, ठीक है। नॉर्मल एक्सरसाइज ही हुई अभी, तो कोई इतना वो नहीं है ना, इतनी खास डाइट चली अभी, सिर्फ प्रोटीन की डाइट चल रही थी, कार्ब के बिना ये परफॉर्मेंस है। और ये चीज़ तुम बताना कि कितना अंतर है जब में और अब में। जो क्लिप भाई फर्स्ट डे शूट हुई थी वो भी डाल लूंगा और आज के भी आपके सामने है भाई। चल पोजिंग लगाऊं, हाँ चल मिरर में कर दूं, वहां पे देखो रोटेट कर। अरे वाह, कमेंट करके बताना भाई 1 week की प्रोग्रेस आपको कैसी लगी भाई। जो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा चेंज है, क्योंकि नेचुरल में भाई उतना चेंज तो नहीं हो पाता। बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आगे भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो नेक्स्ट मतलब 14th या 15th डे जो होगा उस दिन फिर से मैं टी शर्ट उतारूँगा, उस दिन और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आज भी आपको फर्स्ट डे से अच्छे रिजल्ट मिले होंगे, ठीक है। लास्ट में भाई स्ट्रेचिंग जरूर करनी है आपको, अगर बैक वर्कआउट किया तो बैक को स्ट्रेच, और एक स्ट्रेचिंग की प्रॉपर वीडियो डालूंगा कि आपने कोई भी पार्ट किया हो अगर आप वो सब कर लेते हो तो फुल बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। वो 3-4 स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं, ठीक है। कोई भी आप स्ट्रेच कर रहे हो ना तो आप 15 सेकंड से ज़्यादा तक होल्ड करो।